नमस्कार बच्चों, आइए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने कुछ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हैं, इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स साइड इज डबल। बच्चों, हमें ये फाइंड करना है कि उसके एरिया में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो जाएगी यदि हम किसी ट्रायंगल की साइड को डबल कर दें। ठीक है बच्चों, आइए मैं सबसे पहले इसको बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल से इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है बच्चों, एबीसी इसकी जो साइड है वो ए है। ठीक है, और हमने एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये डी ई एफ। ठीक है बच्चों, डी ई एफ, और इसकी जो साइड है वो डबल कर देते हैं यानी 2a कर देते हैं। ठीक है, आपको इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, सिंस ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। आप देखिए एरिया ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 3/4 और ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब साइड से, और ए तो ए ही है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इसको हम सेंटीमीटर स्क्वेयर मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन सेकंड केस देखिए, इन सेकंड केस में क्या कहा है कि यदि इसकी जो साइड है वो डबल हो जाए तो हम एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है वही होगा 3/4 और ए स्क्वेयर। ए का मतलब जो इसकी साइड होती है उसका हम स्क्वेयर कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आइए इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, 3/4 और यहाँ पे आ गया 4a². ठीक है बच्चों, 4 से 4 हम काट देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3a². ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना होगा कि कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है। तो देखिए, ये डबल है तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं करके लिख सकता हूँ। तो इसमें से अगर हम 3a² में से हम ये माइनस कर दे, √3 जो पहले का एरिया आया है उसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो पता लग जाएगा कितनी इंक्रीमेंट हुई है। आइए इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 4 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को ऊपर √3a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये 4 है, ये रूट में है, तो इसलिए इनको 4 3 12 नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना होगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। माइनस 4 को 4 से किया 1, 1 को 3 से √3 से मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखिए, इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 4 √3a² में से 3a², इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 मान सकते हैं, 4 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा, 3√3a². ठीक है बच्चों, और बाई 4 ये आ गया। अब ये आ गया, इंक्रीमेंट हो गई, तो इंक्रीमेंट इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसे हम इंक्रीज परसेंट में निकाल सकते हैं, या आप ऐसे साइन भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे ई है। तो देखिए, परसेंट में इंक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुई है वो इंक्रीमेंट हमारी कितनी हुई है, √3a² / 4 ये इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, और डिवाइड में, डिवाइड का साइन यहाँ से लगा लीजिए या नीचे भी लगा सकते हैं, डिवाइड जो इसका ओरिजिनल एरिया था, वो ओरिजिनल एरिया क्या था, √3/4a² और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाता है। आइए हम इसको करते हैं, 3√3a² / 4 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और क्योंकि मल्टीप्लाई में हम इसलिए करते हैं जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखे होते हैं तो उसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं होती, इसको डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हम कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है बच्चों, ये आ गया ए स्क्वेयर।
और इंटू 100। अब देखिए 4 से 4 कट गया, रूट थ्री ए स्क्वेयर से रूट थ्री ए स्क्वेयर कट गया, यहाँ पे बचा 3 इंटू 100, तो ये आ गया 300। तो 300% की इंक्रीमेंट हो जाएगी बच्चों। ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए मैंने आपके लिए इसको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया तो इसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। और हाँ बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।